हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैट डिज़ाइन एक्सीलेंस। आज हम बात करेंगे सर्कुलर पैटर्न के बारे में इन सॉलिड वर्क्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पार्ट बनाते हैं, पहले कोई भी एक प्लेन ले लेते हैं, उस पे हम एक सर्कल लगा लेते हैं। इसको डायमेंशन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम एक दूसरा सर्कल लगा लेते हैं, इसको डायमेंशन कर लेते हैं 15 मिलीमीटर, ठीक है। अब हम लेंगे सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न मिलेगा यहाँ लीनियर पैटर्न के, इधर जाएंगे तो ये सर्कुलर स्केच पैटर्न क्लिक करेंगे। इसमें आप देखेंगे, ये सबसे पहला है पैरामीटर्स के अंदर, रिवर्स डायरेक्शन, डायरेक्शन वगैरह है इसमें, ठीक है। ये एंगल है, टोटल एंगल कितना है, इक्वल स्पेसिंग अगर हमें चाहिए या अलग अलग स्पेस पे हमें होल चाहिए, कितने होल चाहिए, ठीक है। तो हम इसको करते हैं पहले एंटिटीज टू पैटर्न क्लिक करेंगे एंड सर्कल पे क्लिक करेंगे। तो देखेंगे अभी हमने यहाँ पे चार नंबर्स डाले हुए हैं, इसलिए चार होल इक्वल स्पेस पे लग गए हैं। इक्वल स्पेस हटा देंगे तो यहाँ पे हमें इसका एंगल डालना पड़ेगा अगर हमें अलग अलग स्पेसिंग पे होल चाहिए। तो हम इक्वल स्पेसिंग छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। नंबर ऑफ फोर को हम 8 कर सकते हैं या 6, जितना भी हमें चाहिए कर सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये एक डिस्टेंस आ रहा है रेडियस सा 60.39। ये जो डिस्टेंस है, ये इस जो इस सर्कल है जो पीसीडी पे होल लग रहे हैं, ये उसकी डायमेंशन अभी दिखा रहा है। हम इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ 60 कर लेते हैं। तो अब ये 120 डाया के पिच पर सर्कल लग रहे हैं हमारे, ठीक है। इसको इक्वल स्पेस रहने देंगे, इसको ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे हमारे 8 होल सर्कुलर पैटर्न से लग गए हैं इक्वल स्पेसिंग के साथ, ठीक है। होपफुली आपको वीडियो समझ आया होगा। कृपया लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।